और अगर तुम चाह तो मैं अब भी तुम्हारी जिंदगी बख्श दे सकती, लेकिन उसके बदले में तुम्हें वो तिलस्मी हीरा मुझे देना। तुम्हें लगता है कि ये बंदूक दिखा के तुम मुझे डरा दोगी? मैं अपनी जिंदगी की भीख मांगूंगी? कौन सी जिंदगी की भीख मांगू? सनम तो कब की मर चुकी है। तुम शायद मोहब्बत की ताकत को नहीं समझती, इसीलिए तुम ये भी नहीं समझ रही हो कि उस रात क्या हुआ था। वो सनम जो जिंदगी से मोहब्बत करती थी, वो सनम जो जिंदगी जीना चाहती थी अपने आहिल के साथ। वो तब की मर चुकी है जब से उसके आहिल को उससे छीन लिया गया था। आहिल, आहिल, आहिल। एक बार को मैंने सोचा भी था कि खुदकुशी कर लूं और हमेशा के लिए आहिल के साथ चली जाऊं, लेकिन फिर मुझे लगा कि इससे आहिल की रूह को सुकून नहीं मिलेगा, उन्हें तकलीफ पहुंचेगी, क्योंकि वो ताउम्र तुमसे निजात पाना चाहते थे। इसलिए जो प्यार करते हैं ना, वो मरकर भी अपना वादा निभाते हैं, और मैंने तब से ये वादा किया है अपने आहिल से कि तुझे तो मैं बर्बाद करके ही रहूंगी। तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मुझे मार सकती हो? मेरी ताकत को उस तिलस्मी हीरे में कैद करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें मेरी ताकत को मिटाना होगा, और वो मैं तुम्हें करने नहीं दूंगी। सच्ची मोहब्बत करने वाले इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। मैं चाहे तुम्हें मार ना पाऊं, लेकिन मैं तुम्हें जीतने भी नहीं दूंगी। तुम्हारी जानी दुश्मन हूं मैं, जान हार सकती हूं, दुश्मनी नहीं हार सकती। जो एक बार सच्ची मोहब्बत कर लेना, वो फिर कुछ भी कर सकता है, और अपनी मोहब्बत को उसके सही अंजाम तक पहुंचाने के लिए मुझे 100 बार भी फना होना कबूल। जब जब सच्ची मोहब्बत पर कोई नजर डालेगा, तब तब नई सनम से टक्कर लेने के लिए एक सनम आएगी। मेरी मौत तुम्हारी जीत नहीं है, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी हार। अगर तुम एक इंसान होती ना, तो शायद अपनी ताकत के बिना जिंदा रह पाती, लेकिन तुम तो शैतान हो। अपनी शक्तियों के बिना, अपनी ताकत के बिना तुम घुट घुट कर मर जाओगी। कहते हैं कि खुदा देरी से ही सही, लेकिन सुनता जरूर। कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए इंसान दोबारा आता है। तुम्हारी कहानी को पूरा करने के लिए भी खुदा ने शायद कुछ ऐसे ही सोचा। मेरा इंतकाम पूरा नहीं हुआ तो क्या हुआ? मेरी दुआ जरूर कबूल होगी। अब जब तुम अपनी जिंदगी का एक एक दिन तड़प तड़प कर बिताओगी, तब तुम्हें आहिल जी के दर्द का एहसास होगा, और फिर कोई आएगा जो तुमसे तुम्हारे किए का बदला लेगा, तुम्हारे गुनाहों की सजा देगा, तुम्हें इतना मजबूर कर देगा कि तुम खुद अपनी मौत की भीख मांगोगी। और मेरी ये आखिरी दुआ अल्लाह को कबूल करनी ही होगी। की नींद
जाने कब जख्मों से मिल गए नैना, छिल 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 गए नैना। चिट्ठी जावे ना जावे संदेशा, सनम अहमद खान, आपका निकाह आहिल इब्राहिम से तय किया गया है। आपको क्या ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। टुकड़ा टुकड़ा इन सांसों का सीने में है बिखरा पड़ा, सूखा हुआ समंदर है आंखों के अंदर, धड़कन चलेगी कैसे दिल में चुभे है खंजर, दिन काले काले लगे लगती है काली काली रे। से मिल गए नैना, छिल गए नैना, छिल गए नैना। मोहब्बत के लिए अम्मी ने जान निसार कर दी, मोहब्बत की आजमाइश से मैं भी गुजरी, जीत हार जिंदगी मौत सिलसिला कायम रहा। लेकिन अब आएगी कयामत, सब खत्म होगा और इस अंत के साथ होगी एक नई शुरुआत। बिना जिंदा नहीं रह सकती, सनम जो मैं तन नहीं कर सकती। मुबारक हो, लड़की हुई है। प्याली बिटिया मेरी, प्याली बिटिया। हाँ, अरे ये निशान, जो बच्चे ऐसे निशान के साथ में जन्म लेते वो अल्लाह के खास बच्चे होते हैं। हाँ, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली है, उसने मुझे फूल सी बच्ची दी है। हम तुझे माहिरा बुलाएंगे, हमारी माहिरा है ना, तुझे नाम पसंद आया? मेरी प्यारी माहिरा है ना? कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए इंसान दोबारा आता है। तुम्हारी कहानी को पूरा करने के लिए भी खुदा ने शायद कुछ ऐसा ही सोचा। मेरा इंतकाम पूरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरी दुआ जरूर कबूल होगी। फिर कोई आएगा जो तुमसे तुम्हारे किए का बदला लेगा। भले ही मैं आहिर जी को पाने में नाकामयाब रही,
लेकिन मैं आहिल और सनम की मोहब्बत की दास्तान को अपनी हार की कहानी कभी नहीं बनने दूंगी। अगर ये इस कहानी का अंजाम है तो मुझे ये अंजाम कबूल नहीं है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है। अब जब हम एक दूसरे के मकसद से वाकिफ हो चुके, जो कि सनम को आहिल से दूर करना है, तो हमारा रिश्ता भी बराबरी का होना चाहिए ना। इनकी बीवी मैं हूं। आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, क्यों उन्हें यूं दुनिया से फेर रही हैं? जान दीजिए मुझे, आप नहीं जानते कि मुझ पर क्या बीत रही। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। जिंदगी अल्लाह का सबसे खूबसूरत तोहफा है और तोहफे लौटाए नहीं जाते। इंसान को हारने से पहले हार नहीं माननी चाहिए। जब तक सांसें हैं तब तक उम्मीद है, यूं अपनी उम्मीद का साथ मत छोड़िए। आप मेरी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानते। मैं जानना चाहता हूं आपके बारे में, आपकी जिंदगी के बारे में। आप है कौन जो बदल दे तकदीरों को, सवार दे नसीब? ऐसे बंदे को कहते हैं नसीर। अब जब हाथ थामा है तो साथ तो निभाना ही पड़ेगा ना। कुछ तो राज है आपकी इन आंखों में जो मुझे अपनी तरफ खींच रही हैं। सीने में कुछ जख्म भी होंगे, जिंदगी में ऐसा कोई जख्म नहीं है जो मोहब्बत न भर सके। मैं आपसे वादा करता हूं आपकी जिंदगी मोहब्बत के हर रंग से भर दूंगा। क्या आपको अपनी आगे की जिंदगी के लिए मेरा यह साथ कबूल है? जिंदगी इंसान को बार बार मौके देती है और मुझे मेरी जिंदगी का ये मौका कबूल है। मैं अब फिर से अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करूंगी, अपनी सारी ताकत फिर से हासिल करूंगी। सनम, किस्मत, किस्मत बड़ी अजीब चीज है। खुली हथेली की लकीरों में जरूर होती है,
मगर मुट्ठी बंद करो तो फिसल जाती है। पर अगर जिंदगी की हर बाजी जीतना किस्मत की अदा है तो बाजी हार कर भी हार ना मानना मेरी फितरत। पिछले 25 बरसों से मैं और मेरी किस्मत ये बाजी खेल रहे हैं। 25 बरस, कितना कुछ बदल गया है इन बरसों में। मेरा फिर से निकाह हो गया और निकाह करके मैंने इस नई दुनिया में कदम रखा। मेरा निकाह फिल्मों के जाने माने सितारे नसीर खान से हुआ, जिसे दुनिया आनंद कुमार के नाम से जानती है। फिर मेरी दुनिया में मेरे बच्चे आए, दो खूबसूरत और बहुत ही प्यारे बेटे और एक बेटी। जिंदगी की किताब के हर पन्ने में नई कहानी लिखी होती है, मगर नई कहानियों में कुछ पुराने किरदार भी होते हैं। इस बावर्ची खाने में अब भी लतीफ की हुकूमत है। अल्लाह, 2 सेकंड्स के लिए तो ऐसा लगा जैसे मिरर में आलिया भट्ट खड़ी हो। आलिया भट्ट नहीं, आलू भात लगती है तू। ये बता कि नहीं सनम का है? खाला, कितनी बार कहा है इस हाउस में सनम का नाम लेना बैन है। अब उनका नाम है खान बेगम। खान बेगम बड़ी बंगले वाली। पर ये खान बेगम कहाँ है? या वेर इज शी? क्वीन, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है, चांद या हम? सुल्ताना, सुल्ताना। एक वक्त था जब मेरे पास ताकत थी तो लोगों की जुबान से वही निकलता था जो मैं सुनना चाहती थी, और आज ये तोता भी अपने दिल की बात कह रहा है। अपने दिल की, अपने दिल की। अब जब तुम अपनी जिंदगी का एक एक दिन तड़प तड़प कर बिताओगी तब तुम्हें आहिल जी के दर्द का एहसास होगा, और फिर कोई आएगा जो तुमसे तुम्हारे किए का बदला लेगा। तुम्हें क्या लगता है सनम, मेरी ताकत छीन कर तुम मेरी किस्मत बदल सकती हो? तुमने मेरी किस्मत में से जो कुछ मिटाया है तो मैं दोबारा अपनी लकीरों में लिख कर रहूंगी, और इस बार मेरे साथ होंगे मेरे दो बाजू, मेरे दो बेटे। तुम्हारे साथ कौन है
तुम्हारी जिंदगी ने तक तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तुम मर चुकी और मैं जिंदा। अब देखती हूँ कि तुम मुझे कैसे रोकती हो।